दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धर्म और धम्म के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि धम्म और धर्म में दोनों का अर्थ क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सर्वप्रथम धर्म या धम्म शब्द की प्रथम जानकारी भारत की ज्ञात सभ्यता ईसा से 530 वर्ष पूर्व में हुई थी। इस ज्ञात सभ्यता से पूर्व की रही सभ्यता संस्कृति में धर्म यानी कि धम्म की जगह पर किस भाषा में किस शब्द का प्रयोग होता था, इस बात की पक्की जानकारी आज तक किसी को नहीं है। इसके बारे में आज जो कुछ भी लोग कहते हैं या लिखते हैं वह सारा का सारा भ्रमिक इतिहासकारों का कपोल कल्पित कल्पना द्वारा निर्मित भ्रम का जाल है। ज्ञात काल में भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद इस शब्द को धम्मचक्रपवर्तन के रूप में प्रयोग किया था। दरअसल उस समय भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म यानी कि धर्म का अभिप्राय धारेति अति धम्मो से था। अब धारणा क्या करेगा, तो अत्तनो स्वभावम अत्तनो लक्षणम धारेति अति धम्मो, यानी कि इस सृष्टि के अंदर जो भी है वह अपने अंदर अपने स्वभाव से अपने लक्षण से जो कुछ भी धारण करता है वह उसका धम्म यानी कि धर्म है, या उसे ही धम्म या धर्म कहते हैं। यही धम्म या धर्म मनुष्य के अंदर विराजित राग और द्वेष के रूप में गुण स्वभाव लक्षण का पर्यायवाची माना जाता था। यह गुण सधम्म के रूप में सद्गुण का प्रतिनिधित्व करता था, तो वहीं यह गुण अधम्म के रूप में अवगुण का प्रतिनिधित्व करता था। इसी सद्गुण और अवगुण वाली राग का चक्र और सद्गुण और अवगुण वाली द्वेष के चक्र से मनुष्य के मुक्ति का मार्ग धम्मचक्रपवर्तन है। इस गुणकारी धम्म यानी कि धर्म शब्द का इसके पूर्व लिखित साक्ष्य या आविष्कार भी नहीं हुआ था। वस्तुतः धर्म और धम्म के लिखावट में सिर्फ भाषा लिपि का अंतर है। सम्यक संस्कृति के समय मौजूद पाली भाषा में र का संयुक्त प्रयोग नहीं होने की वजह से उस समय इसका लेखन धम्म होता था, जो आज की संस्कारित भाषा में र का संयुक्त प्रयोग होने की वजह से यह धर्म लिखा जाता है। इसी धर्म के ज्ञान पर सम्यक काल के समय भारत 15 वर्षों तक विश्वगुरु था, जिसमें अनेक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे जहां देश विदेश के लोग धर्म को समझने आते थे। वह कोई बौद्ध धर्म नहीं बल्कि प्रकृति का गुण धर्म स्वभाव यानी कि प्रकृति के कानून को समझने आते थे। प्रकृति के अंदर अपना गुण धर्म स्वभाव होता है, लोग उसे ही धर्म कहते थे। जैसे आग का जलना धर्म है, बर्फ का शीतल होना धर्म है, गुस्सा होने पर व्याकुल होना धर्म है। अब कोई आग है और वह आग जले ही नहीं, बर्फ हो और वह बर्फ शीतल हो ही नहीं, कोई गुस्सा हो और वह व्यक्ति व्याकुल हो ही नहीं, तो समझो सबका गुणधर्म स्वभाव खत्म है। ये सभी नकली गुणधर्म स्वभाव वाले हैं। यही तो गुण स्वभाव और प्रकृति की रीति है जिसे धर्म कहते हैं। दोस्तों, धम्म और धर्म में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो सम्यक काल और सम्यक अंतकाल में इसके प्रयोग और भावार्थ का है। दोनों काल में इसका उपयोग अलग अलग भावार्थ के साथ में हुआ है, यही सबसे बड़ा अंतर है। जैसे सम्यक काल में धम्म का प्रयोग प्रकृति के कानून प्रकृति के गुण स्वभाव के संबोधन के लिए किया जाता था, तो सम्यक अंतकाल में इस धर्म यानी कि धम्म का प्रयोग भ्रमिक इतिहासकारों द्वारा इम्प्लांट भ्रम का पुलिंदा के लिए होने लगा। यह भ्रमवादी धर्म संप्रदाय पंथ मजहब रिलीजन का पर्यायवाची है, जिसको भ्रमिक इतिहासकारों ने धर्म यानी कि धम्म का पर्यायवाची खड़ा कर दिया है। भ्रमवादियों द्वारा प्रत्यारोपित संप्रदाय प्रकृति का कानून नहीं है, प्रकृति की रीत नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसी वजह से आज का धर्म किसी भी दृष्टिकोण से पूर्व के धर्म का पर्यायवाची नहीं है। अब वहीं पर सम्यक काल का धम्म यानी कि धर्म गुण स्वभाव प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने के कारण सभी का होता था, जिस वजह से उस समय जितने भी विदेशी शासक आए सभी सम्यक काल के धर्म में समाहित हो गए। लेकिन आज भ्रमिकों द्वारा स्थापित धर्म एक खास समूह वर्ग का होने के कारण इसके समय में जितने भी विदेशी शासक यहाँ आए कोई भी इनके संप्रदाय में समाहित नहीं हुआ, क्योंकि संप्रदाय जो कि संस्कारित शब्द है एक दर्शन है जो एक खास समाज विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है।
रिलीजन अंग्रेजी का शब्द है जो कि एक दर्शन है जो एक खास रीजन विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। मजहब फारसी शब्द है जो कि एक दर्शन है जो एक खास मजलिस विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। पंथ पाली शब्द है जो कि एक दर्शन है जो एक साथ रहने वाले खास पथिक विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। लेकिन दोस्तों, इन ब्रह्मवंशी इतिहासकारों को देखिए जो कि सम्यक काल वाले शुद्ध धर्म की जगह पर सम्यक अंत काल वाले एक समुदाय विशेष द्वारा किया जाने वाला कर्मकांड को ही धर्म का पर्यायवाची बनाते हुए भ्रम का जाल के रूप में इम्प्लांट कर दिया। मुझे लगता है आपको इस वीडियो के जरिए धर्म और धम्म के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। बाकी का क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें। और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।